पहले घर घर जाकर होता था चुनाव, अब हो गया है डिजिटल इंडिया। अब व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक डिजिटल के ऊपर इतना सारा काम, इतना सारा लोड हो गया है कि कोई भी न्यूज बोलते बाद में है, पहले मार्केट में पब्लिश हो जाती है। सभी लोग जानते हैं, जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है तब से उसने अपना किसी भी चुनाव के अंदर घोषणा पत्र नहीं जारी करा है। और ये सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज का कोई घोषणा पत्र नहीं होता है। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती कोई भी चूक नहीं चाहती हैं इस इलेक्शन में, क्योंकि यह इलेक्शन बहुत कीमती है बहुजन समाज के लोगों के लिए। जिस हिसाब से सभी पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र, अपने अपने वादे कर रही हैं, उसी हिसाब से लगता है कि अभी बिना वादों के देश के अंदर काम नहीं चलने वाला है। ये सब सोचते हुए बहन कुमारी मायावती ने कहीं ना कहीं ऐसा सोचा, और यही कारण हो सकता है कि अपने 25 से 30 साल पुराने विद्रोहियों से भी गठबंधन कर डाला, क्योंकि देश के अंदर सरकार बनानी है बहुजन समाज के लोगों की, एससी एसटी ओबीसी के लोगों की, क्योंकि अब ये सभी लोग आ गए हैं बहन जी के नेतृत्व में और ये सब चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती की सरकार बने। इसलिए एससी एसटी ओबीसी सभी लोगों ने ठाना है कि बहन कुमारी मायावती को ये 2019 का इलेक्शन जिताना है। जैसे बहन कुमारी मायावती ने कभी भी ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह जैसे अकाउंट्स नहीं बनाए थे, सोशल मीडिया से बहन जी बहुत दूर रहती थी, लेकिन उन्होंने डिजिटल का रुख अपनाया और 2019 के अंदर वो सब कार्य करने लगे जो उन्होंने नहीं किए थे। क्योंकि जब से बहन कुमारी मायावती ने सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट बनाया है 25 जनवरी से, तब से उनके साथ उनके बहुजन समाज के वोटरों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और उनके फैन एंड फंडिंग बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और लोगों के अंदर बहुजन समाज का एक नया उत्साह बन के आ रहा है। क्योंकि बहन कुमारी मायावती ही नहीं, पूरे बहुजन समाज की मीडिया को कोई भी पत्रकार नहीं दिखाता है उनकी खबरों को, और उनको तोड़ मरोड़ के पेश करती है मीडिया। तो उन्होंने अपने मैसेज को सीधा जनता, जो उनकी फैन है, जो बहुजन समाज के फॉलोवर हैं, उनके उन तक सीधा पहुंचाने के लिए उन्होंने ट्विटर अकाउंट्स बना लिया। क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने कम से कम 18 से ज्यादा पार्टियों के साथ गठबंधन करा है और वो रिजल्ट उनको दिखाई दे रहा है। आज सभी लोग चाहते हैं कि देश के अंदर एक प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री के रूप में नेता होना चाहिए, और वो है बहन कुमारी मायावती। इसीलिए सभी ने गठबंधन के समर्थन को मोहर लगाते हुए बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सोचा है। तेलंगाना, हरियाणा, मध्य प्रदेश, एमपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, एमपी वगैरह जैसी बहुत सारी, पंजाब जैसी जगह सीटों पर भी बहन कुमारी मायावती ने गठबंधन किया है। क्योंकि बहुजन समाज ने बहुत ज्यादा गठबंधन नहीं करे थे, लेकिन महाराष्ट्र में भी अपने गठबंधन को मोहर लगाते हुए बसपा ने इस वक्त सारे देश के बहुजन लोगों को एकत्रित करने के लिए ये सब कार्य करे जा रहे हैं, ताकि देश में सरकार बन सके बहुजन समाज के लोगों की। अब हम आपको बताएं कि बहुत जल्द हो सकता है साझा घोषणा पत्र, क्योंकि अखिलेश की सरकार और बसपा की सरकार दोनों मिलकर हैं और बिना वादों के लोगों को नहीं समझ में आता कि ये लोग क्या कार्य करेंगे। तो हो सकता है बहन कुमारी मायावती भी अपना घोषणा पत्र लागू कर दें, और अपना नहीं करती हैं तो सपा के नेतृत्व के अंदर ही उनका घोषणा पत्र शामिल रहेगा। क्योंकि बहन जी से अभी अखिलेश जी की मुलाकात हुई है और घोषणा पत्र को लेकर उन्होंने मुलाकात करी है, और उस मुलाकात के अंदर बहन जी से डिस्कस करा है कि क्या क्या घोषणा पत्र में डाला जाए। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने बहुत सारे वादों को ऐसा कर डाला है कि देश की जनता भ्रमित हो रही है। उन्हीं भ्रमित जनता को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बहन जी ने उठाया है ये कदम। बसपा ने आज तक कोई भी घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। अगर वो नहीं भी करती हैं घोषणा पत्र जारी, तो हो सकता है सपा के घोषणा पत्र के अंदर बहन कुमारी मायावती के बहुत सारे घोषणाएं हो सकती हैं। अगर ये घोषणा पत्र जारी होता है तो पहली बार इतिहास के अंदर ऐसा काम होगा कि बहुजन समाज के लोग अपने घोषणा पत्र को जारी करेंगे, और ऐसा नहीं होता है तो सपा के साथ गठबंधन जो है बहुत बड़ा गठबंधन है, क्योंकि देश के अंदर जो प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश से ही चुना हुआ बनना है, जिस पे उत्तर प्रदेश के लोग मोहर लगा देंगे वही बनेगा देश का प्रधानमंत्री। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।